Guys, welcome back to our channel celebration. He celebration. और भगवान जी को हेलो करो, उसके बाद शुरू करते हैं. सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल हथकड़ियों की जो हमें जकड़े रखते हैं, जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को हमसे पास आने से रोकते हैं. दोस्तों, आई एम गेटिंग बिट ड्रामेटिक, बट दैट इज द ट्रुथ. और आज हम बात करेंगे उन बीमारियों की, उन लक्षणों की जो आपको असहाय बनाते हैं. क्योंकि दोस्तों देखिए, इलाज के लिए बीमारी का पता होना भी जरूरी होता है. तो आज हम उन लक्षणों की बात करते हैं. सो पहला जो हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, द मोस्ट सीवियर, जो मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड क्लाइंट्स, और अपने आसपास समाज में भी देखा, वो है लैक मेंटालिटी. लोग कमी के बारे में बात करने को अपना सौभाग्य मानते. अरे भैया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. अरे भैया, मैं तो बहुत दुखी हूँ. ओ हो, कमी है, कमी है, कमी है, कमी है, पैसे की कमी है, पति की कमी है, जिंदगी की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है. कमी के बारे में बात करना तो अबंडेंस है. मतलब एक चीज अबंडेंस में है, वो है कमी के बारे में. तो दोस्तों याद रखो यार, दिस इज योर एनर्जी. जहां भी बंदूक रखोगे वहीं निशाना. याद रखो दोस्तों, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तुम्हारा अटेंशन ही चीजों को अट्रैक्ट करता है. तो अगर तुम्हारे जीवन में कमी है भी, तो भी कमी की बात नहीं करनी है, कमी की गॉसिप नहीं करनी. और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, और हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें सिखाएंगे, बेटा कमी की बात करो, बेटा कम खर्च करो, कम ऐसा करो, अरे ये मत करो, पैसों की कितनी कमी है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं. दोस्तों लेकिन जानो, और देखो कई बार ऐसे लोगों को चेंज करने के चक्कर में मत पड़ो, बस अपने आप को सुधारो और अपने आप को चेंज करो. यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी. तो फोकस करना है अबंडेंस पे, बात करनी है अबंडेंस की, नोटिस करना है अबंडेंस क्या आपके पास है, प्यार है, खुशी है, आज तक की जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उनकी लिस्ट बना डालो. वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ की, उनकी लिस्ट बना डालो. जो भी आपकी लाइफ में बेस्ट है उनकी बात करो. अगर तुम्हारे जीवन में पांच चीज़ें हैं और उनमें से चार अच्छी हैं, तो उन चार की बात करो. और वो जो एक चीज़ अच्छी नहीं है ना, वो भी उन पाँचों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी. उसी तरह से वाइसा वर्सा, चार बुरी चीजों की बात करोगे ना, तो वो एक जो अच्छी चीज है वो भी उसी लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी. दोस्तों सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड टू टेल यू. सो ऑलवेज फोकस ऑन अबंडेंस, लग्जरी. आपके सामने दो घर हैं, एक खस्ता हाल है, एक लग्जूरियस है, तो लग्जूरियस को देखो. ट्रेन करो अपने माइंड को, अपनी मेमोरी को ट्रेन करो. कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं होती, कोई भी बुरी मेमोरी नहीं होती दोस्तों, इट इज जस्ट ट्रेंड मेमोरी. तो अपनी मेमोरी को ट्रेन करो, ये सिर्फ देखे. उससे क्या होगा, अब कुछ लोग कहते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपनी करेंट रियलिटी में जी नहीं पाऊंगा, सरवाइव नहीं कर पाऊंगा. क्यों नहीं सरवाइव कर पाओगे भैया, तुम खुश रहोगे ज्यादा, तुम आनंदित रहोगे. अब मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ कि तुम अपनी रियलिटी छोड़ कर भाग जाओ, पर खुश रहना सीखो, आनंदित रहना सीखो, मिलियनेयर बनकर चलना सीखो. मुझे याद है एक फेमस कंपनी के सीईओ थे, और जब वो इंटरव्यू देने जाते थे तो वो किराए पर सूट लेते थे और साइकिल पर बैठ के जाते थे. लेकिन वो सूट बूट और टाई लगा के जाते थे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सीईओ है. बिकॉज व्हाट यू कैन फील इट, यू विल अट्रैक्ट दैट थिंग. जो भी आप फील करेंगे ना, आप उसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी जिंदगी. दूसरा जो लिमिटिंग बिलीफ है, नॉट इनफ टू गो अराउंड. यानी सुविधा सीमित है, नौकरियां सीमित है, पैसे सीमित हैं, और हम सब के लिए नहीं है. मतलब एक ही सीट है गवर्नमेंट जॉब की और इतना ही पैसा है, तो हम कैसे उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐसी सोच से बाहर निकलिए, तुरंत के तुरंत बाहर निकल जाइए दोस्तों. क्योंकि अबंडेंस एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, अबंडेंस हमेशा मल्टीप्लाई होती है, और आपके लिए हमेशा इनफ है. ये यूनिवर्स, अगर आप देखो कभी यार अपने रूम से बाहर निकलकर रात को खुले आकाश को देखा करो, और तुम देखोगे अनंत अनंत तारे, अनंत अनंत गैलेक्सियां, इतना बड़ा
परमात्मा का साम्राज्य है दोस्तों, इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो हमेशा ये समझिए कि आपके लिए इनफ है, दूसरे के लिए इनफ है। आप किसी के पेट पर लात नहीं मार रहे हो, यहाँ जितनी है वो जो भी अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, वो अपनी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट करते हैं, अपनी सोल पावर से अट्रैक्ट करते हैं। तो आप किसी का बुरा नहीं कर, कभी किसी को छीनो मत और कभी किसी का बुरा मत करो, बाकी सभी के लिए पर्याप्त है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए कि अबंडेंस मल्टीप्लाई होता रहता है, यूनिवर्स मल्टीप्लाई होता रहता है, और यूनिवर्स का जो पहला बेसिक सिद्धांत है वेल बीइंग ऑफ ऑल, यानी यहाँ जो भी है, अगर कोई व्यक्ति परेशान भी है तो उसके लिए बहुत परेशान मत हो, उसे सहारा देने की कोशिश करो, लेकिन ये जानो कि उसका सबसे बड़ा सहारा भगवान है, उसकी इनर बीइंग है, तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम्स हैं, मेरी बहन है या मेरा भाई है। देखिए दोस्तों, ये समझिए कि आप किसी के लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अनटिल अनलेस वो पर्सन अलाइन करे, पहली चीज़ तो उसके अपने कर्म है, दूसरी चीज उसकी अपनी वाइब्रेशंस हैं। तो वहां आप चाह कर भी ना बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप उस पर्सन को उस जगह लाओ जहां वो खुद अपनी इनर बीइंग से अलाइन हो। जब डॉक्टर किसी को दवा देते हैं ना दोस्तों, तो वो दवा आपको क्या लगता है, वो बीमारी को ठीक नहीं करती, वो सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करती है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द को सरपास कर देती है, बाकी जो हीलिंग है वो नींद में होती है, परमात्मा हीलिंग करता है, आपकी बॉडी हीलिंग करती है। तो लेट दैट पर्सन फ्लो इनटू फीलिंग गुड एंड दे विल मैनिफेस्ट इट फास्ट। थर्ड जो लिमिटिंग बिलीफ है दोस्तों जो हमारी सोसाइटी में, वो है कंपैरिजन। अरे मेरे पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, और फिर हम शो ऑफ करते हैं, अरे देखो मेरे पास ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों कंपैरिजन के गहरे तलों में आप देखेंगे तो आपके भीतर हीनता की ग्रंथि, आप अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते, आप अपने आप को फुलफिल्ड नहीं मानते हैं, तो आप कंपैरिजन करते हैं, दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, हीनता की ग्रंथि होती है कि अरे मेरे पास तो इतना ही है, मेरे पास तो ये है। और कंपैरिजन का अगला स्टेप होता है जलन, हमें दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है कि उस इंसान के पास इतना क्यों है, तो हम उसके लिए खुश नहीं होते हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर अस टू बी हैप्पी, लेकिन हमेशा याद रखो, क्योंकि दोस्तों इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि जेलसी कंपैरिजन ये निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, और निगेटिव जगह पर खड़े होकर आप कभी भी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। कीचड़ में आप कितने भी सफेद कपड़े पहन लो, पर वो सफेद कपड़े गंदे होंगे ही होंगे, भले आप कहो मैंने निरमा से धुला था, मैंने सर्फ एक्सेल से धुला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेलेसी, गुस्सा, घृणा, ये सारी चीजें, लालच, ये सब चीजें निगेटिव वाइब्रेशन है। तो आपको अगर किसी को क्षमा करना है, किसी के लिए खुश होना है, तो ये सोचकर खुश हो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इट इज़ फार मोर ईजी फॉर अस कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर सब कुछ को ब्लेस करते हो, क्योंकि अगर किसी के पास वो लग्जूरियस कार है जो आपको चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करती है और वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वो जो इंसान उसने उस कार को मैनिफेस्ट किया है, वो भी आपके जैसा ही इंसान है। तो जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज आपको अलाइनमेंट में आना है, आपको अपनी सोल पावर से कनेक्ट करता है, अपने परमात्मा से कनेक्ट करना, एंड इट इज फार मोर इजी, क्योंकि एक इंसान जो अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड है वो करोड़ों करोड़ों लोगों से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमेशा ब्लेस करें, अच्छी कार्स, अच्छे घर, पैसा, अच्छी हेल्थ, अच्छी स्किन, उन्हें ब्लेस करें, एक दूसरे के लिए खुश हो, एक दूसरे को चीयर करें। और यही तो हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली का मेन नंबर वन गोल है, एक दूसरे को चीयर अप करना, हमेशा खुश रहना, एक दूसरे के मैनिफेस्टेशंस पे खुश होना, एक दूसरे को लाइक करना। लिमिटिंग बिलीफ है दोस्तों द नीड टू बी विनर, हम चाहते हैं कि हम हमेशा जीते, हमें नंबर वन आना है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, नंबर वन आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नंबर वन आने की चाह से आपके भीतर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, आपके भीतर एनर्जी स्प्लिट कर जाती है, क्योंकि वो प्रोसेस फिर आपके लिए आनंद नहीं बन जाती, फिर वो आपके लिए एक रेस बन जाती है। अगर दो बंदे दौड़ रहे हों
और वो उनके लिए कंपटीशन बन जाए तो वहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, वहाँ प्रेशर हो जाएगा। वहाँ पे आप ओलंपिक के गेम्स देखते हैं ना, वहाँ पे खिलाड़ी बिल्कुल परेशान रहते हैं, वो उस खेल को इंजॉय नहीं करती। और वहीं आप दो नन्हे बच्चों को देखिए तो वो कितना इंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जीत ही जाए, लेकिन ज़रूरी ये है कि खुश रहना, और हर चीज़ की आत्मा है खुश रहना। क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते हैं ना दोस्तों, वो आप करते हैं क्योंकि आप खुश होना चाहते हैं, आप पीसफुल महसूस करना चाहते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज हर समय विनर होने के बारे में मत सोचिए। बाजीगर का डायलॉग है ना, जो हार कर भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। और यही जीवन का विरोधाभास है। अगर आप जीतने की इच्छा छोड़ देते हैं ना, तो आप अपने आप जीत जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा देखा है, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में देखा, अपने सब्सक्राइबर्स की लाइफ में देखा है, कि जब आप उस नीड को ख़त्म कर देते हैं कि अरे ये चीज़ मिलेगी तो भी मैं खुश हूँ और नहीं मिलेगी तो भी मैं खुश, आई एम हैप्पी वेयर आई एम, जब आप जहाँ हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं ना दोस्तों, तो वो जो चीज़ आप चाहते हैं वो अपने आप चली जाती है। क्योंकि आपका रेजिस्टेंस चला जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा खुश हैं, आप आनंदित हैं, आप मस्त हैं, आप धन्यवाद करते हैं। और जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो परमात्मा कहता है जाओ बालक, तुम्हारी इच्छाएँ ज़रूर पूर्ण होंगी। जो अगला लिमिटिंग बिलीफ है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। हम रिजेक्ट होने से बहुत डरते हैं, हम फेल होने से बहुत डरते हैं। अरे मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे ऐसा पति नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी तो क्या होगा, तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने पहला यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड किया था दोस्तों, उसको मैंने 3 दिन तक अपलोड नहीं किया था, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आगे शादी होनी है, पता नहीं फैमिली कैसे रिएक्ट करे। लेकिन फिर मैंने अपलोड किया। जब भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों, जब भी आप वर्ज पे होते हैं कुछ मैनिफेस्ट करने के, आप एक जंप लेने के लिए तैयार होते हैं ना, आपके भीतर से फियर अराइज होता है। लेकिन उस फियर को मैंने बार बार देखा है कि वो फियर जो होता है वो आपकी मदद करता है, वो फियर जो होता है वो आपकी हेल्प करता है, ताकि आपके भीतर करे। क्योंकि जिस लेवल पे फियर अराइज होता है, उसी लेवल पे करेज भी अराइज होता है दोस्तों। और आप देखेंगे कि आप अपनी आंखें बंद करके लीप ऑफ फेथ लेते हो और आप जाकर पहाड़ की ऊंचाई से कूदते हो, एंड यू फील लाइक वाओ। जब मैंने पैराग्लाइडिंग की थी हिमाचल प्रदेश में, सेकेंड हाईएस्ट प्लेस था, वहाँ से की थी, और जैसे ही पैराग्लाइडिंग पहन कर हम लोग कूदे, इट वॉज लाइक कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बट देन द नेक्स्ट मिनट हम जब ग्लाइड करने लगे और इंजॉय करने लगे, एंड वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस बन गया। कभी भी डर को बाधा मत बनने दो, क्योंकि डर दोस्तों आपको जीवन के बहुत सारे रहस्यों को जीवन में आपके लाएगा। और डर को अगर आपने बाधा बना लिया ना, तो आप जीवन में बहुत ऐसा है, ऐसे अनुभव है जिनको आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि डर आपका बेस्ट फ्रेंड है। डर सही भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन डर को अपने लिए जंजीरें मत बनने दो। तुम जो करना चाहते हो उसके लिए आज तैयारी करो, आज शुरुआत करो, डर को थैंक यू बोलो और उस डर को बाय करो, एक्सेप्ट करो, उसके प्रति अवेयर हो और आगे बढ़ो। जो नेक्स्ट लिमिटिंग बिलीफ है, लोग क्या कहेंगे। उफ, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो लिमिटिंग बिलीफ है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी फैमिली, हमारी फ्रेंड्स, हमारा सर्कल, वहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो डिफॉल्ट सेटिंग में चल रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है भाई कि यूनिवर्सल लॉज क्या होते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है। वो उन पत्तों की तरह है जो हवा में उड़ते जा रहे हैं, उनकी ना तो कोई दिशा है। वो उस नाव की तरह है जो समुद्र में चलती जा रही है, समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते हुए आगे बढ़ती जा रही है, पर ना उसका कोई उद्देश्य है, ना उसका कोई आयाम है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई विजन नहीं है, तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमेशा आपके जीवन में एक इंटेंशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप घर से यूं ही निकल जाते हो। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी भी दोस्तों, ज़िंदगी में विजन रखिए। आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, फिजिकली कैसे दिखना चाहते हैं, मेंटली कैसे बनना चाहते हैं,
क्या करना चाहती हूँ और जो काम करना चाहते हैं उसमें नंबर वन बनिए, इतना बेस्ट कीजिए कि उसको करती हुए आपको मजा आए। अब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है, दे आर नॉट अ टास्क फॉर मी। हर सिंगल डे मुझे सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो इट इज लाइक सो मच अमेजमेंट। अब लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग को पसंद भी आता है, कुछ लोग को नहीं भी पसंद आता, लेकिन अगर सबके कमेंट से मैं प्रभावित होने लगी ना दोस्तों, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि ये वीडियोस मैं बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ जाना है, उसे मैं आपके साथ बांटती हूँ। बांटने का आनंद है, बांटने की खुशी है। मे भी किसी को अच्छा लगेगा, मे भी किसी को नहीं अच्छा लगेगा, डजंट मैटर, दोनों ही स्थितियों में मैं खुश हूँ। और यही चीज आपसे कहूंगी, लोगों के बारे में परेशान होना आप छोड़ दीजिए दोस्तों। लोग उन्हीं की बात करते हैं जिनके भीतर पावर होती है, जिनके भीतर शक्ति होती है, और यही लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको बधाई देने आएंगे। तो कभी भी लोगों के ऊपर डिपेंड मत करिए, डिपेंड कीजिए अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अपनी पावर्स का यूज कीजिए एंड बिकम एन मिरेकल मैनिफेस्टर। ऐसे अपने आप से बोलिए, आई एम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आई कैन डू एवरीथिंग इन माय लाइफ, आई एम मास्टर एंड माइटी एंड यू कैन डू इट। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, नमस्ते।